कल स्टेटमेंट किया, धमकी है हमारे जुडिशियरी को, सीधी सीधी धमकी है, हमारी बात मानो, हम जो कहेंगे वही करो, अगर नहीं करोगे तो देखा जाएगा, हम सरकार है, हम सत्ता है। इस प्रकार की धमकी अगर देश का कानून मंत्री देता है उसका मतलब क्या है? जरूर मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का बयान भी मैंने देखा है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप जैसे बहुत कम लोग होंगे जो दबाव को मानते नहीं, लेकिन दबाव है। और मैं देख रहा हूँ कि देश के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, जिस पद पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैठे थे, जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उस पद पर बैठकर आप जजेस को धमकियाँ दे रहे हो, आप जुडिशरी को धमका रहे हो, ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको शांति से जीने नहीं देंगे, देख लेंगे। ये कानून मंत्री को शोभा नहीं देता। एक तो हमारी बात मानो, और बाद में हम जो रिटायरमेंट के बाद आपको राज्यपाल बनाओगे, राज्यसभा में भेजेंगे, किसी कमीशन के चेयरमैन बनाओगे, ये सब सुविधा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई को सामने जाइए। पर सर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पास में भी इस तरह के स्टेटमेंट दोनों की तरफ से दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस हुआ किरण रिजिजू।